ये क्वेश्चन ना क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फाइल हैंडलिंग के थ्योरी वाले क्वेश्चन की, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा फाइल हैंडलिंग, सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? सो रीडिंग और राइटिंग इन अ फाइल इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन फाइल्स इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। इट अलाउज अस टू मैनिपुलेट फाइल्स, क्रिएट न्यू फाइल्स, राइट और ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड अदर परफॉर्म्स और अदर ऑपरेशंस ऑन फाइल। ठीक है, तो यार आई थिंक ये वाली चीज आपके लिए क्लियर है। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए, बट हाँ फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। नेक्स्ट चीज़ हमारा जो है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबका 2 से 3 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, या तो आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में याद कर सकते हो या फिर जैसे मैंने सामने दे रखा है आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में जो मैंने एक रैपिड डिवीजन बनाया था, आप उसको ज़रूर से देख लेना। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं रैपिड डिवीजन के, उसमें मैंने इसकी टेबल प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उनको भी डाउनलोड कर देना अगर अभी तक नहीं देखा है। नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे आर मोड। आर मोड क्या होता है? रीड ओनली के लिए। आर प्लस मोड क्या होता है? रीड और राइट साथ में करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है? पॉइंटर एंड में प्लेस किया जाता है। आर बी क्या होता है? रीड मोड ही होता है, बट यहाँ पे बाइनरी के लिए होता है। सो इसी तरीके से सारे रीड मोड, राइट मोड और एक आपके लिए अपेंड मोड, तीनों के तीनों मोड्स के सारे के सारे टाइप्स आपको याद कर लेने हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका कौन सा फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन राइट टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। सो यार ये आपका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके यहाँ से भी हो सकता है 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी फॉर्म हो जाएगा। सीधे सीधे आपसे हो सकता है कि टेक्स्ट फाइल के बारे में पूछ ले, बाइनरी फाइल के बारे में पूछ ले, एग्जाम्पल्स पूछ ले, या फिर हो सकता है कि आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूछ ले। तो आपको बस एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है और इससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आप कर पाएंगे। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है टेक्स्ट फाइल। सो टेक्स्ट फाइल क्या होती है हमें पता है। जैसे कि आपने अगर अभी तक फाइल हैंडलिंग का रैपिड डिवीजन नहीं देखा तो फिर उसको जरूर से देख लेना, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। टेक्स्ट फाइल आपका वो होता है जिसमें कि ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इंसान पढ़ सकता है, ये किसी भी हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। सेम यहीं पे हमारा बाइनरी फाइल क्या होता है, नॉन ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं और इनके लिए हमें स्पेशल एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है इनको ऑन कर चलाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट फाइल में हमारा ASCII कोड, ASCII कोड में सेव होती है इन्फॉर्मेशन एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम इसमें। एंड यहाँ पे बाइनरी फाइल में हमारा मेमोरी में स्टोर होती है। सो इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दिख रहे होंगे, आपको एग्जांपल्स भी देख लेना है इसके। और एक चीज़ में रहती है कि यहाँ पे एंड ऑफ लाइन जो होता है टर्मिनेटेड विद स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो टेक्स्ट फाइल में हमारा एंड ऑफ लाइन में टर्मिनेट होता है, बट यहाँ पे हमारा जो बाइनरी फाइल होता है तो यहाँ पे कोई भी डिलेमिनेटर नहीं होता है। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड ऑफ फाइल में लग जाता है ताकि जिससे पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे हमारी लाइन एंड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड और रीड लाइन में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखोगे ना तो फिर आपको ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। तो फिर यार ये वाले क्वेश्चंस ऐसे जो कि एक्सरसाइज में भी हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स में भी है, प्रीवियस ईयर्स में भी आ सकते हैं। सो ये वाले क्वेश्चंस के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइन, तो भाई रीड मेथड क्या होता है, एंटायर फाइल को कंटेंट को रीड करता है और क्या करता है हमें एक स्ट्रिंग में दे देता है। देखो सबसे पहले आपका रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरी एंटायर फाइल रीड करेगा और इसको स्ट्रिंग में दे देगा, एक चीज याद रखनी है आपने। और रीड लाइन क्या करेगा, आपको रीड लाइन आपको लाइन के बाय लाइन करके देगा। रीड लाइन मतलब लाइन बाय लाइन आउटपुट देगा वो आपको। अगर आपने एक बार रीड लाइन एग्जीक्यूट किया तो फिर आपको सिंगल लाइन दे देगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेल मेथड का यूज क्या होता है। तो टेल मेथड आपको करंट पोजीशन बता देता है किसी भी इंटीजर की। ठीक है, वो आपको रिटर्न कर देगा करंट पोजीशन। सामने देखो आपको पीडीएफ नीचे दे रखी है मैंने इस सब की, सब कुछ पीडीएफ जो नीचे सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से चेकआउट कर लो। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इनसे आपको पढ़ते रहना है। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो फिर लगा लो यार इसमें से आपका टोटल लगभग 10 से 15 मार्क्स आपके ये वाला चैप्टर कंसिस्ट कर रहा होगा, इन्हीं क्वेश्चन में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका CSV फाइल, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल के बारे में आपको पढ़ लेना है। CSV फाइल क्या होती है, कॉमन फाइल फॉर्मेट होता है जो कि ट्रांसफरिंग और स्टोरिंग डाटा के लिए यूज होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फ्रॉम पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम। सो ये हो गया आपका पिकलिंग, और इसी का ही उल्टा जो होता है वो हमारा अनपिकलिंग हो जाता है। तो फिर उन दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट और राइट लाइंस मेथड। राइट मेथड क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग में देता है हमें आउटपुट फॉर राइटिंग सिंगल सिंगल ओके एक सिंगल स्ट्रिंग लिखना है तब हम राइट मेथड का यूज़ कर लेंगे, और अगर राइट लाइन मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लिखनी है, अगर हमें बहुत सारे लिस्ट लिखनी है स्ट्रिंग्स की तब हम राइट लाइंस मेथड यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपका सीक फंक्शन क्या होता है, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को डालने के लिए, प्लेस करने के लिए सीक का यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ अ यूज़ ऑफ रिमूव फंक्शन, रिमूव फंक्शन इज यूज टू डिलीट फाइल, फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्जाम में आने वाली है, तो इन चीज़ों को तो आपको अच्छे से कर लेना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी सारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लेना, चैनल पर नए आते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कॉन्टेंट यहाँ पर आता रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।